जय स्वामीनारायण बाल दोस्तों, आपणे जोता हता संस्कारनी श्रीमंताई। आ पाठनो टूंको परिचय मेळवीए तो मानव जीवननी गठमाळ एवी छे के एमां सुख पछी दुख, चढ़ती पछी पड़ती कुदरतना क्रम प्रमाणे अवश्य आवता ज होय छे। अहीं गठमाळ एटले आपणुं जीवन, हाँ, जीवन में आवता विविध प्रसंगों एक पछी एक जे आवे छे एने गठमाळ कहेवाय। अने एमां पण शुं आवे के दुख सुख, हाँ, चढ़ती पड़ती ए आवती रहे छे। आवा समये जरा पण विचलित थया वगर स्वस्थता जाळवी राखी आवी पड़ेली परिस्थितिनो खरा दिलथी स्वीकार करवो ए ज साचा संस्कार छे। साचा संस्कार कया छे तो के जीवन में चढ़ती पड़ती आवे त्यारे जरा पण विचलित थया वगर स्वस्थता जाळवी राखी आवी पड़ेली परिस्थितिनो खरा दिलथी स्वीकार करवो ए ज साचा संस्कार छे। समझायो बाळ दोस्तों? एमां ज संस्कारनी श्रीमंताई रहेली छे। एक समय हतो ज्यारे शेठ जगमोहनदास अने तेमनुं कुटुंब श्रीमंताईमां झूलतुं हतुं। अचानक भाग्यनी दशा पलटाई, कारमी गरीबी तेमना कुटुंब ऊपर उतरी आवी। त्यारे पण कुटुंबनो एके सभ्य आबाल वृद्ध सौ कोई परिस्थितिनो वाँक काढवाने बदले के निराश थवाने बदले पोताना भागे आवतुं कर्तव्य बजाव्यानुं अने एकमेकने मददरूप थवानुं चालू राखे छे। अहीं जगमोहनदास ए आ वार्ताना मुख्य केन्द्रमां पात्र छे अने एना आसपास ज आखी वार्ता चाले छे। जगमोहनदास कोण हता? तो एक मोटा व्यापारी, सट्टोनो व्यापार करता अने एमां एवुं एटलुं कमाया हता के जाहोजलाली एमनी हती। परंतु ए जाहोजलालीना माहोलमां एमना एवा दिवसो आव्या, व्यापारमां मोटी खोट गई। जे महल बांध्यो हतो ए महल पण वेचाई गयो, 6-7 गाड़ी हती ए पण वेचाई गई, नौकर चाकरनो पार न हतो ए बधा नौकरोने पण छूटा करवा पड्या। महल छोड़ीने 50 रुपयाना ए महीने भाड़ाना एक मकानमां परिवार साथे एमणे रहेवानो समय आव्यो। આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ એમના કુટુંબના સભ્યો આબાલ વૃદ્ધ સૌ નિરાશ થયા વગર સહેજે એકબીજાની વાંક કાઢ્યા વગર પોતાના ભાગે આવતું કર્તવ્ય બજાવ્યાનું અને એકરૂપને એકબીજાને મદદરૂપ થવાનું એવો ચાલુ રાખે છે। તો આ વાત અહીં આ ટૂંકો સાર છે એ આપણે જોયો।